हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक फार्मेसी लेक्चर में। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम करेंगे उसमें हम देखेंगे कैस्टर एनएफ स्किन क्रीम के बारे में। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये क्रीम कैसे काम करती है, किस इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे यूज़ करनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो पहले हम जानते हैं ये कैस्टर एनएफ क्रीम कौन सी कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तो ये जो बनाई जाती है, ये हमारी बनाई जाती है ली फोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा। ये कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है ली फोर्ड हेल्थ केयर द्वारा। इसमें देखते हैं कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से साल्ट इसमें होते हैं। पहला जो सॉल्ट होता है वो होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, फिर मेट्रोनिडाजोल, तीसरा टर्बिनाफाइन और चौथा जो होता है वो होता है किलोबेटा सोल। ये कंपोजिशन या सोल्ट इसमें पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सोल्ट किस तरह से काम करते हैं। तो इस क्रीम में मौजूद ये ओफ्लोफ्लोक्सासिन नहीं है भाई, ये है सिप्लोफ्लोक्सासिन। ये है हमारा सिप्लोफ्लोक्सासिन है, इसको सही कर लेना आप। ये सिप्लोफ्लोक्सासिन है। तो ये एक एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया के प्रजनन और उनके विकास को रोकता है। यानी कि ये बैक्टीरिया जैसे होते हैं ना, एक के दो हो गए, दो के चार हो गए, उनके विकास को रोकता है ये और धीरे धीरे बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये आपको दिख जाएगा इस तरह से ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को स्किन में मिलते हैं। अब मेट्रोनिडाजोल का देखते हैं हम, मेट्रोनिडाजोल किस तरह से काम करता है। तो मेट्रो और निडाजोल एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के डीएनए को नुकसान पहुंचाकर बैक्टीरिया के अलावा अन्य संक्रमक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है। यानी कि ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, देखो इस तरह का बैक्टीरिया का डीएनए होता है, ये डीएनए को अंदर ही अंदर क्या करता है, उसके साइज को ख़त्म करता जाता है। मान लो ये साइज है, ठीक है ना, और इसके अंदर बैक्टीरिया है, तो पहले ये साइज को इतना कर देगा, फिर इतना कर देगा। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जब ये डीएनए को ख़त्म करेगा तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, वो कम होती जाएगी। और जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी, बैक्टीरिया अपना आप ही लास्ट में डेड हो जाएगा, यानी कि किल हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है मेट्रोनिडाजोल। इसमें जो अगला सोल्ट है टर्बिनाफाइन, ये एक एंटी फंगल है जो फंजई या कवक को खुद के लिए सुरक्षा कवच बनाने से रोककर उन्हें बढ़ने से रोकता है। ये टर्बिनाफाइन क्या करता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे फंजई होते हैं, कवक होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना, अपने चारों तरफ सराउंडिंग में इस तरह से सुरक्षा कवच बना लेते हैं। तो इसका काम होता है ये इस सुरक्षा कवच में जाके इनको बढ़ने से रोकता है, क्योंकि जब ये बढ़ेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी शरीर के अंदर या स्किन के अंदर बढ़ेगा। तो ये इस सुरक्षा कवच को धीरे धीरे ख़त्म करता है और ख़त्म करते करते ये लास्ट में बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। तो इसका काम होता है ये। अब हम जानते हैं किलोबेटासोल क्या काम करता है। ये किलोबेटासोल एक स्टेरॉइड होता है जो स्किन में रेडनेस, खुजली और सूजन के लिए काम करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से रेडनेस, स्वेलिंग और ईचिंग में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये चार सोल्ट से मिलके बना होता है, जिनका अलग अलग काम होता है। हम बात करते हैं इसके यूज़ की, कि किस तरह से ये क्रीम यूज़ की जाती है, किस इन्फेक्शन में। तो पहला हो जाता है स्किन डिसऑर्डर, यानी कि
त्वचा संबंधित विकार, ठीक है ना, जैसे स्किन पर कुछ भी हो जाए, लालपन हो जाए, चकते हो जाए, उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। फिर है स्किन स्कार, ये आप देख सकते हो, ये रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, इधर भी आप देख सकते हो। एक्जिमा, एक्जिमा आप जानते हो, झुर्रिया हो जाना, चेहरे पर कालापन हो जाना, उस केस में भी इस क्रीम का यूज़ किया जाता है। और अन्य फंगल इन्फेक्शन, जैसे इस तरह से हो जाना, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो अधिकतर फंगल इन्फेक्शन में ये यूज़ होती है। जैसे होता है जांग लग जाना, किसी की जांग लग जाए तो उस केस में भी यूज़ किया जाता है। किसी के मच्छर के काटने के बाद वो हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, वहाँ से सूज जैसा हो जाता है वो हिस्सा, उस केस में यूज़ किया जाता है। कहीं स्किन का हिस्सा कट जाए, कोई खरोच लग जाए, किसी प्रकार की चोट लग जाए, या कोई स्किन फंगल इन्फेक्शन हो जाए, उन सभी केसों में इसका यूज़ किया जाता है। और ये ट्यूब बहुत ही बढ़िया साबित होती है इन सभी चीज़ों के लिए। अब देखते हैं इससे कुछ जुड़ी हुई प्रमुख बातें। जैसे इस क्रीम को लगाने के बाद इसका असर जो है वो 24 घंटे तक रहता है, यानी कि अगर आज हमने क्रीम लगाई है तो उसका असर 24 घंटे तक रहेगा। इस क्रीम को लगाने के 2 से 2.5 घंटे के अंदर ये काम करना शुरू करती है, यानी कि जैसे अभी हमने क्रीम लगाई है तो उसके 2 से 2.5 घंटे के बाद ये काम करना शुरू करती है। तीसरी बात, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बिल्कुल सुरक्षित क्रीम मानी जाती है, इसका मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को प्रेगनेंसी में नहीं मिलता, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि कौन ये क्रीम नहीं लगा सकता। अब जिस पर्सन को एलर्जी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जिसको स्किन एलर्जी है या किसी भी प्रकार की एलर्जी है, उसको इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट में भी एलर्जी देखने को मिलती है। तो जिसको पहले से ही एलर्जी है उसको ये क्रीम नहीं लगानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट की, कि इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके यूज़ से क्या होता है, स्किन पतली हो जाती है, स्किन जो है हमारी पतली हो जाती है, स्किन पीलिंग, स्किन का पीलिंग हो जाना, ठीक है, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। फिर है एप्लीकेशन साइड पर खुजली, यानी कि जिस जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिस एरिया में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हमें ईचिंग, खुजली देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ में है एक्नी, एक्नी इसके लगाने से कई बार एक्नी यानी कि छोटे छोटे फुंसी फोड़े देखने को हमें मिलते हैं, दाने देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इस क्रीम के कंप्लीट यूज़, कि भाई किस तरह से ये क्रीम यूज़ करी जाती है, कैसे ये काम करती है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या इसमें सॉल्ट पाए जाते हैं, तो ये सभी हमने एक एक करके देखे। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और है आपसे, कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप इसका यूज़ ना करें, क्योंकि ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिल जाती है, लेकिन इसके डोज की लेने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारी कुछ ट्रेंडिंग वीडियो है, जैसे कफ सिरप हो गया, ठीक है, और मल्टीविटामिन्स हो गए, बच्चों के लिए सिरप्स हो गई, बच्चों के लिए साबुन हो गए, बेस्ट हेयर फॉल शैम्पू हो गए, तो इन सभी की वीडियो भी आपको हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार की सपोर्ट से हम 4K सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। ऐसे ही हमसे बने रहें, अपना प्यार बना कर रखें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।